7.2 ऊतकों का समूहीकरण ग्रुपिंग ऑफ टिश्यूज। हमने पढ़ा कि समय समय पर वैज्ञानिकों ने पादप व जंतु ऊतकों का अध्ययन किया। इनके विस्तृत अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने समूहीकरण की प्रक्रिया की सहायता ली। इसमें उन्होंने ऊतकों के कार्यों, स्थिति, संगठन, व्यवस्था व विभाजन क्षमता आदि गुणों को आधार बनाया। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम पादप व जंतु ऊतकों को एक साथ समूहीकृत न करके अलग अलग समूहीकृत कर रहे हैं। 7.2.1 पादप ऊतकों का समूहीकरण ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स टिश्यूज। पादप ऊतकों के समूहीकरण का एक उदाहरण इस प्रकार का हो सकता है। पादप ऊतक। पादप ऊतक को विभाजन व विभेदन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रविभाजी ऊतक, दूसरा स्थायी ऊतक। प्रविभाजी ऊतक, इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। उदाहरण तने व जड़ के सिरों पर पाए जाने वाले ऊतक। दूसरा स्थायी ऊतक, इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं या बहुत कम होती है। स्थायी ऊतक को दो भागों में विभाजित किया गया है संगठन के आधार पर। पहला सरल ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक। सरल ऊतक, इन ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, जबकि जटिल ऊतकों में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। सरल ऊतक को स्थिति और उनके कार्यों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, त्वचीय ऊतक और भरण ऊतक। त्वचीय ऊतक, पौधे के विभिन्न अंगों का बाह्य आवरण और सुरक्षा का कार्य। भरण ऊतक, पौधे के विभिन्न भागों का निर्माण और अन्य ऊतकों का व्यवस्थित करने में मदद करने का कार्य। भरण ऊतक के उदाहरण हैं मृदुतक पेरेन्काइमा, स्थूल कोणोतक कोलेन्काइमा, दृढ़ोतक स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक, जटिल ऊतक को दो भागों में विभाजित किया गया है स्थिति और उनके कार्य के आधार पर। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम, पानी व खनिज लवणों का संवहन। फ्लोएम का कार्य है भोजन का संवहन। दिए गए समूहीकरण की एक सीमा है जब हम स्थायी ऊतकों को उत्तरोत्तर समूहीकृत करते हैं तो पेरेन्काइमा व कोलेन्काइमा को स्थायी ऊतक की श्रेणी में रखते हैं, परंतु पेरेन्काइमा व कोलेन्काइमा भी विभाजन करने की क्षमता रखते हैं। अतः संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि प्रविभाजी ऊतक व स्थायी ऊतक दो भिन्न भिन्न ऊतक न होकर कोशिकाओं की व्यवस्था के अलग अलग समय के निरूपण हैं। इसी कारण इन दोनों के मध्य की स्थितियां भी पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए वे स्थायी ऊतक जिनमें की विभाजन की क्षमता भी होती है।